अस्सलामु अलैकुम। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान ने कहा है कि अगर कुर्द जंगजू मंगल की शाम तक शमाली शाम में मजवजा महफूज जोन वाले इलाके से ना निकले तो तुर्की इनके सरों को कुचल देगा। तुर्की ने 5 दिन के लिए अपने फौजी ऑपरेशन को इस मकसद के तहत मुअत्तल कर दिया था ताकि इस इलाके से कुर्द जंगजू बहफाजत निकलकर वापस जा सकें। तुर्की कुर्द जंगजुओं को दहशतगर्द समझता है और शाम के अंदर एक महफूज जोन बनाने का ख्वाहां है जहां शामी पनाह गजीनों को वापस बसाया जा सके। इस मुआहदे के बावजूद फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। ताहम सनेचर को फरीकैन ने एक दूसरे पर जंगबंदी के मुआहदे की खिलाफवर्जी के इल्जाम आयद किए हैं। तुर्की के मरकजी सूबे में सेनेचर को टेलीविजन प्रोग्राम से खिताब करते हुए तुर्क सदर ने कहा कि जंगबंदी की शर्त के मुताबिक अगर मंगल की शाम तक कुर्द जंगजू इस इलाके से वापस नहीं लौटे तो हम अपनी कार्रवाइयों का आगाज वहीं से करेंगे जहां से हमने ये फौजी ऑपरेशन मुअत्तल किया था और हम फिर दहशत गर्दों के सरों को कुचलना शुरू कर देंगे। तुर्क रहनुमा अगले हफ्ते रूस के सदर प्यूटन के साथ बात करने वाले हैं। इनका कहना था कि अगर इन मुज़ाकरात का कोई नतीजा ना निकला तो तुर्की अपने मंसूबों पर अमल दरामद करेगा। इससे पहले शाम में फौजी कार्रवाई मुअत्तल करने पर तैयब अर्दवान ने ट्रंप का खत कचरे में फेंक दिया था। इस खत पर 9 अक्टूबर की तारीख दर्ज है और यह शाम से अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद भेजा गया था। इस खत में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की सदर से कहा था कि ज्यादा बड़े बनने की कोशिश ना करो, अहमक मत बनो। तुर्की में सदर के करीबी जराए ने बताया कि सदर अर्दवान की जानब से इस खत को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया गया था। जिस दिन ये खत मौसूल हुआ इसी दिन तुर्की ने सरहद पार कुर्दों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया था। तुर्की ने अमरीका की जंग बंदी की अपील मुस्तरद कर दी थी। सदर ट्रंप के खत में लिखा था कि चलो एक उम्दा मुआहदे पर काम करते हैं, आप हजारों अफराद के कत्ल के जुम्मेदार नहीं बनना चाहेंगे और मैं तुर्क माशियत की तबाही का जुम्मेदार नहीं बनना चाहता। अगर आप दुरुस्त और इंसानी बुनियादों पर इस मसले को हल करेंगे तो तारीख आपके हक में होगी और अगर अच्छे इकदाम ना हुए तो तारीख आपको हमेशा के लिए एक जालिम के तौर पर देखेगी। तुर्की की वजारत दफा ने कुर्द अफवाज पर गुज़श्ता 36 घंटों के दौरान 14 इश्तियाल अंगेज हमले करने का इल्ज़ाम आयद किया है। ताहम इसका इसरार है कि तुर्क अफवाज इस मुआहदे की मुकम्मल पासदारी कर रही हैं। दूसरी जानब कुर्दों की ज़ेरे क़यादत डेमोक्रेटिक फोर्सेज ने तुर्की पर जंगबंदी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया है। SDF ने तुर्की पर यह इल्ज़ाम भी आयद किया कि वो महसूर कस्बे से शहरियों और जख्मी अफराद के इनखला के लिए महफूज राहदारी बनाने में नाकाम रहा है। SDF ने सनेचर को अमरीकी नायब सदर माइक पेनस पर जोर दिया कि वो तुर्की पर दबाव डालें कि वो आम शहरियों को मुंतकिल करने की इजाज़त दे। एक बयान में SDF ने कहा अमरीकी फरीक के साथ मुस्तकिल राबते और इनकी तरफ से इस मसले को हल करने के वादे के बावजूद इसमें कोई काबिले जिक्र पेशरफ नहीं हो सकी है। बरतानवी अदारे SOHR ने जुमे को एक बयान में कहा है कि तुर्की की शमाली शाम में की जाने वाली कार्रवाइयों में अब तक 86 शहरी हलाक जबकि तकरीबन 2 लाख अफराद अपने घरों से नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। अमरीका ने जुमेरात को ऐलान किया था कि इसने कुर्द जंगजुओं को शमाली शाम से निकलने का मौका देने के लिए तुर्की के साथ 5 रोज़ा जंगबंदी का मुआहदा किया था। ये मुआहदा अमरीकी नायब सदर और तुर्क सदर के दरमियान अंकरा में होने वाली मुलाकात में तय पाया था। अमरीकी नायब सदर माइक पेनस के मुताबिक मुआहदे के तहत 5 दिन के लिए जंगबंदी होगी और अमरीका कुर्द जंगजुओं को वहां से निकलने में मदद फराहम करेगा। तुर्की इस इलाके में एक महफूज जोन बनाना चाहता है जहां कुर्द मलेशिया का वजूद ना हो और जहां तुर्की आने वाले तकरीबन 36 लाख शामी पनाह गजीनों को रखा जाए। तुर्की ने 9 अक्टूबर को सदर ट्रंप की जानब से शमाल मशरकी शाम से अमरीकी फौजियों को निकालने के फैसले के बाद कुर्दों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया था।
तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान का इस हवाले से कहना था कि इनका मकसद शाम की सरहद के साथ 480 किलोमीटर एक महफूज जोन बनाना है जो कुर्द मलेशिया से पाक हो और ये शामी महाजरीन के लिए घर भी हो सकता है। शाम से अमरीकी फौज के इनखला के बाद सदर ट्रंप को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है और कई माहिरीन का कहना है कि इससे तुर्की को कुर्दों के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने के लिए ग्रीन सिग्नल मिला है। सदर ट्रंप पर ज्यादा तनकीद इनकी अपनी पार्टी की जानब से की जा रही है। सदर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के 129 अफराद ने डेमोक्रेटिक्स के साथ मिलकर सदर के इस इकदाम के खिलाफ वोट दिया था। इधर इंसानी हकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि इसने जंगी जराइम और दीगर खिलाफ वर्जियों के सबूत इकट्ठे किए हैं, जबकि अक्वामे मुत्तहिदा ने तुर्की से इन इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा किया है। गैर मुसद्दका इतलात में ये इंकशाफ भी हुआ है कि तुर्की की तहादी फौजों ने शाम में सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल किया है जो एक कीमियाई हथियार है और जो बुरी तरह से जला देता है। कीमियाई हथियारों की रोकथाम की तंजीम OPCW ने कहा है कि वो इन दावों से बखूबी वाकफ है और वो इससे मतलब शवाहद इकट्ठा कर रही है।